बिहार और झारखंड की सियासी उठापटक के बाद अब दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आरोपों से दिल्ली में दंगल शुरू हो गया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं, पहले ये सुन लीजिए। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूँ इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं, कौन सा गलत काम किया? इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि दिल्ली में सरकार बनने के लिए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से की थी, जिसके बाद इन आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम रविवार को पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उसके बाद आतिशी के घर। आपके दोनों नेताओं को नोटिस दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वे सोमवार तक इस बात के सबूत दें कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितना दम है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है, वे भ्रष्टाचार और चोरी में उलझ के रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल के झूठ का अब सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल पहले से ही कथित शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, ऊपर से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी पूछताछ में शामिल होने के लिए अब तक अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी भले ही इन कदमों को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बता रही है, लेकिन अपने राजनीतिक सफर में केजरीवाल अभी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जो चक्रव्यूह जैसा है। उनके कई साथी जेल में हैं और वे कानूनी पचड़ों में बुरी तरह फंस चुके हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और उनकी सरकार अब मुश्किल में दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।